हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल के माध्यम से हम समय समय पर हिंदी व्याकरण और साहित्य के प्रमुख विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। इसके अंतर्गत हम गद्यांशों और पद्यांशों, फिर वे चाहे अपठित हों या पठित हों, इनकी सप्रसंग व्याख्या पर भी चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है, जिसमें हमें उस कहानी अथवा कविता का नाम, उसके लेखक का नाम, साथ ही साथ प्रस्तुत गद्यांश अथवा पद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, इसका सूक्ष्म वर्णन करना होता है। व्याख्या में हमें क्या करना होता है, हमें व्याख्या में दिए हुए अवतरण की पूर्ण रूप से व्याख्या करनी होती है, लेकिन उसमें हमें बेकार के इधर उधर के शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता। जो अवतरण हमें दिया है उसी की व्याख्या हमें करनी है। अंत में जब हम विशेष लिखते हैं, यदि किसी गद्यांश या पद्यांश में आपसे विशेष पूछा जाता है तभी आप इसे लिखते हैं, और जब हम इसे लिखते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि प्रस्तुत अवतरण में लेखक मुख्यतः क्या कह रहा है, साथ ही साथ उसमें कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, कौन सी शब्दावली का अधिकतर प्रयोग किया गया है, इन सब बातों के बारे में हमें लिखना होता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम किस पर चर्चा करेंगे, पाजेब और छोटा जादूगर कहानी के अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और चर्चा करते हैं पाजेब और छोटा जादूगर कहानी के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले मैं अपना गद्यांश बोलूंगी, उसके बाद उसका प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। अब मेरा आज का गद्यांश है, मैं कुछ बोला नहीं, मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस बालक को मिलना चाहिए। मुझे वह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसमें उसका दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है, यह उस चोरी से नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यह था आज का अवतरण। अब हम इसका प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत आवरण जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी पाजेब से लिया गया है। वे मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। पाजेब उनकी बाल मन पर पड़ने वाले प्रभाव को अभिव्यक्त करने वाली कहानी है। दोस्तों, एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में पाजेब के खो जाने पर अभिभावकों द्वारा एक बच्चे से कठोर अनुशासन के रूप में बर्ताव करने का लेखक ने जो वर्णन किया है, उसे बच्चे के मौन विद्रोह आक्रामक तेवरों द्वारा बाल मन के भावों का सूक्ष्म चित्रण इस अवतरण में किया गया है। दोस्तों, अब हम इस अवतरण की व्याख्या जानते हैं। इस अवतरण में समस्या पर पुनर्विचार करते हुए लेखक आत्मचिंतन लीन हो जाता है। वह अपनी पत्नी की बात को काटते हुए महसूस करता है कि पाजेब के गुम हो जाने का संबंध कहीं ना कहीं मेरे बेटे आशुतोष से है, पर उसको अपराधी की भांति देखना, प्रताड़ित करना उचित नहीं है। लेखक इसी सोच में पत्नी से कुछ नहीं बोला। उसका मन आशुतोष के प्रति रोष से नहीं, स्नेह से भर रहा था। वह अपने पुत्र को देखता है और फिर विचार करता है कि इस समय आशुतोष को उसकी डांट की नहीं, उसकी सहानुभूति की आवश्यकता है। संकट के समय में बच्चों को स्नेह से वंचित करना उचित नहीं है। अब जबकि इस पर चोरी का आरोप है, उस समय सभी ओर से इसको प्रताड़ना मिलने पर हो सकता है कि इस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ जाए। उसके प्रति स्नेह और सहानुभूति का व्यवहार करना इस समय अत्यंत आवश्यक है। लेखक को पाजेब का खोना और खोने के शक में आशुतोष का घिरना, ये ऐसा लगता है जैसे यह एक भारी दुर्घटना है। वह सोचता है कि अगर आशुतोष दोषी भी है तो उसने चोरी भी की है, तो क्यों, इसमें इसका क्या दोष है।
क्यों इस पर सारे इल्ज़ाम का पहाड़ लाद दिया जाए। माना कि बच्चे में चोरी की आदत भयंकर बुरी और ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन बच्चे को बरबस लाचार कर देना उससे भी अधिक भयावह होता है। जितना अपराध बच्चे का है उतना ही अपराध अभिभावकों का है। हम उस चोरी के दोष से मुक्त नहीं हो सकते। तो दोस्तों, हमने जाना यह है प्रस्तुत अवतरण की व्याख्या। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इसे लिखा है। अब हम इसका विशेष जानते हैं, यानी कि इस अवतरण में क्या विशेष है। दोस्तों, जैसा कि हमने इस जब अवतरण को पढ़ा तो हमने देखा कि यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें तत्सम शब्दावली की प्रधानता है और इसकी जो भाषा है वह सशक्त और प्रौढ़ है। बाल मन स्थिति की उहापोह इस कहानी में है। साथ ही साथ हमें लेखक के मन का द्वंद्व भी देखने को मिलता है। आत्मसंवादात्मक शैली है क्योंकि लेखक इसमें अपने आप से बात कर रहा है। साथ ही साथ अपराध को निर्मूल करने का उपाय और उसके कारणों का उन्मूलन करना भी इस अवतरण के माध्यम से हमें पता चलता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला गद्यांश पढ़ते हैं। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन उब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता है तो, और उस भीड़ में मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था, 10 बज चुका था। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोएं रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा और जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमय हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? बच्चा क्या कहता है, माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी छोटा जादूगर से ली गई हैं। इस कहानी में आर्थिक स्थिति से जूझते बचपन में समय से पहले आए समझदारी के मर्म को लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से उद्घाटित किया है। दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या के विषय में चर्चा करते हैं। लेखक छोटा जादूगर नामक लड़के के जादू से बड़ा हतप्रभ था, हैरान था। लेखक जब बहुत दिनों बाद ऑफिस से छुट्टी मिल लेता है तो उसका कलकत्ते से मन उब गया है, लेकिन उसका उस वाटिका में घूमने की इच्छा होती है जहां उसे वह छोटा जादूगर मिलता है जो कड़ी धूप में अपना जादू का खेल दिखा रहा था। लेखक अपनी मोटरसाइकिल रोककर वह खेल देखने लगता है। खेल में वह लड़का बिल्ली रूठने, भालू के मनवाड़े, ब्याह की तैयारी जैसे खेल दिखा रहा था, लेकिन लेखक देखता है कि आज उस जादूगर की वाणी में वह खुशी नहीं है जो वो पहले हमेशा देखा करता था। वह अपने जादू से औरों को हंसाने का प्रयास तो कर रहा था पर स्वयं खुश ना था। वह हंसते हंसते स्वयं कांप जाता था, मानो फूट कर रो पड़ेगा। लेखक आश्चर्य से उसका खेल देखता रहा। खेल समाप्त होने पर जब वह छोटा जादूगर जाने लगा तो लेखक ने कहा कि क्या बात है, आज तुम्हारे खेल में जान नहीं थी। यह सुनकर लड़का बोलता है कि आज मुझे घर जल्दी जाना है क्योंकि मेरी माँ आज अंतिम सांसें ले रही है। यह सुनकर लेखक स्तब्ध ही नहीं रहता बल्कि व्याकुल हो जाता है कि फिर भी कैसे ये छोटा बालक, छोटा जादूगर खेल दिखाने आया है। कितनी मजबूरी थी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, पैसा कमाने के लिए उसे आना ही था। दोस्तों, अब हम इस कहानी के विशेष पर चर्चा करते हैं। इसकी जो शैली है वो वर्णनात्मक है और इसमें आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बाल मनोविज्ञान देखते ही बन पड़ता है। छोटा जादूगर की पीड़ा का वर्णन है।
मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये थी पाजेब और छोटा जादूगर कहानी के दो गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने इस चैनल के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा ताकि फिर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपना अगला अध्याय सुन सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।